तो भाई साहब यहाँ से ये लेक जाने के लिए ये रास्ता है, वैसे तो एक पक्का भी रास्ता था। सर ये बर्फ जमा हुआ है इस पे, चारों तरफ बर्फ, इस पे भी बर्फ आ गया है, सिर्फ और सिर्फ स्नोफॉल हो रही है, चारों साइड में स्नोफॉल। नया कैसा लग रहा है स्नोफॉल में? आज का व्लॉग जो है वो बड़ा लेट स्टार्ट हुआ है, द रीज़न बीइंग के हमने व्लॉग जो अपना स्टार्ट किया है वो ले से नहीं किया है। ले से निकले हुए हमें अबाउट तीन घंटे हो चुके हैं। यहाँ पे हम लोग रुके इसलिए हैं क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। अभी हम लोग जा रहे हैं पेंगोंग लेक, और पेंगोंग लेक में क्या है कि रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब रास्ता है, इससे ज़्यादा ख़राब रास्ता मैंने देखा नहीं है, अभी तक नहीं देखा लिटरली। और ये जो आप पीछे मेरे देख रहे हो, ये जो फॉग सा है, ये फॉग नहीं है एक्चुअल में, ये जो है वो बादल हैं। तो हम लोग बादलों के ऊपर जा रहे हैं, रोड पूरा ख़तरनाक, पूरा ख़राब। अब आइए मैं दिखाता हूँ आपको अपनी बाइक, ये देखिए ये बाइक, और मैं जो रेनकोट पहना हुआ हूँ, नेहा भी पूरा रेनकोट पहने हुए है। और हमने साथ में पेट्रोल कैरी किया था, बाइक भी जो है वो अभी थोड़ी सी सूख गई है। ये देखो आप व्यू देखो यहाँ का, ये देखो सब चारों तरफ हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ बादल 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 के पीछे पहाड़ियाँ। तो कुछ ये सीन है। तो अभी क्या करते हैं कि फटाफट से निकलते हैं पेंगोंग के लिए, क्योंकि पेंगोंग जाना ज़रूरी था। हालांकि हमें ले से ही बारिश मिली है, लेकिन हमने ये सोचा, पहले तो सोचा कि चलो यार छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, फिर हमने क्या है जब यार इतनी दूर आए हैं तो उसको पूरा भी करें, वरना फिर आने का कोई फ़ायदा नहीं है। 12 बज रहा है, अभी निकलते हैं पेंगोंग, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं पेंगोंग, और रास्ते में आपको फिर व्यू दिखाते हैं अच्छे अच्छे चलिए मिलते हैं आपसे। तो पेंगोंग जाने के लिए ये रास्ता है, ये मेरे ख्याल से ये रोड है एक, और ये रोड ख़राब हो चुकी है, अब दोबारा से ये नई रोड बनाई जा रही है, इसलिए सब पूरा टूटा फूटा रोड है, और सबसे ख़तरनाक रोड है यार ये। तो अभी तक मतलब रोड मिले हैं, लेकिन ये तो बहुत ख़तरनाक है क्योंकि ऑफ रोडिंग बहुत ज़्यादा है इसमें। अब ये थोड़ा सा देखिए यहाँ से पक्का सा रोड स्टार्ट हुआ है, हिल्स एरिया है बहुत ज़्यादा, और चारों तरफ फॉग बादल, पता नहीं क्या ही चीज़ है यार ये। ठंड अच्छी खासी, बारिश हो रही थी बहुत ज़बरदस्त वाली, अभी यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है तो थोड़ा सा सुकून है हमें, वरना सुकून नहीं मिल रहा था यहाँ पे। बड़े ख़तरनाक टर्न है, बहुत ख़तरनाक टर्न, क्योंकि ये फॉग है, फॉग में आपको आगे का कुछ दिखता नहीं है, तो गाड़ी की स्पीड भी आप 25, 30, 20 मैक्सिमम आप 30 पे चला सकते हो, क्योंकि कुछ विजिबिलिटी है ही नहीं यहाँ पे, बिल्कुल लो विजिबिलिटी है, जिस वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। और ठंड तो पूछो मत बस कितना, क्योंकि ठंडा इलाका तो वैसे ही है, ऊपर से बारिश पड़ गई तो और ज़्यादा ठंड। अभी पता नहीं है हमें कि पेंगोंग कितना किलोमीटर और रह गया है, क्योंकि कोई बोर्ड नहीं है, रोड बनना है इस वजह से कोई बोर्ड नहीं है यहाँ पे। और जुनून देखिए बाइकर्स जाते हुए, उधर से आते हुए भी दिख रहे हैं और इधर से जाते हुए भी दिख रहे हैं, इधर से जाते हुए कम है उधर से आते हुए ज़्यादा है, क्योंकि पीछे लोगों ने सोचा होगा कि यार बारिश हो रही है जाना सही नहीं है। और सामने देखिए अभी हम यहाँ पे रुक गए क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल अभी अभी लैंडस्लाइड हुआ है, तो क्रेन उसे हटा रही है रोड खाली करने के लिए, यहाँ से लैंडस्लाइड हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। अभी देखते हैं कितनी देर में यहाँ से ये रास्ता हटता है, फिर हम लोग यहाँ से आगे निकलते हैं और फिर आगे की अपडेट देते हैं आप लोग को। तो गाइस सफ़र हमारा थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया है, एक्सट्रीम ये हो गया है कि अभी हम हैं पेंगोंग के रास्ते में, और यहाँ पे
बर्फ गिरने लगी है, स्नोफॉल हो रहा है चारों तरफ। देख सकते हैं आप, इधर भी स्नोफॉल है, साइड में भी स्नोफॉल है। अगर दिखाता हूँ मैं आपको अपनी गाड़ी, तो देखो गाड़ी की क्या कंडीशन हो गई है। सब ये बर्फ जमा हुआ है इस पर, चारों तरफ बर्फ, इस पर भी बर्फ आ गया है। सिर्फ और सिर्फ स्नोफॉल हो रही है, चारों साइड में स्नोफॉल। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वाली ठंड, बता नहीं सकते, ऐसा लग रहा है कि मर जाएंगे। और सारे जूते गीले हो गए, लेदर वाले शूज़ हैं। और सूखी वाली ठंड, बर्फ। अभी यहाँ से पेंगोंग 80 किलोमीटर है, मतलब हम 4 घंटे में सिर्फ 30 किलोमीटर आए हैं। बाइक में भी प्रॉब्लम आने लगी थी। चलिए रुकते हैं, यहाँ से निकलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। नेहा कैसा लग रहा है इसमें फोन में? तो दोस्तों एक जगह पे रुक गए, यहाँ पे क्या है कि बारिश नहीं मिली है अब हमें। देखिए रोड भी सूखे हैं, और वो उधर हमारे कुछ दोस्त मिल गए रास्ते में, वो हैं यहाँ पे नेहा। और इधर देखिए, ये एक बहुत ज़बरदस्त जगह हम लोग को दिख गई यहाँ पे, तो हमने सोचा यहाँ पे चलते हैं यार, कुछ फोटोग्राफी भी कर लेंगे। और नज़ारे देखो यार, क्या नज़ारे हैं सच में भाई। मुझे तो कश्मीर भी जन्नत लगी है, और ये भी जन्नत लग रही है। ये किसी जन्नत से कम नहीं है यार। यहाँ पे देखो, मतलब ये फूल देखो, ये पानी देखो, क्या ज़बरदस्त नज़ारे हैं यार, क्या ज़बरदस्त नज़ारे हैं, देखते ही बनता है यहाँ पे। और देखो ये पत्थर, पानी, कितना ब्यूटीफुल एरिया यार। ये फूल, ये पता नहीं किस चीज़ के केसर जैसे फूल लग रहे हैं मुझे, ये पता नहीं कैसे फूल है ये। और इधर देखो ये झरना, ये व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस यार। देखो पानी ये पूरा वहाँ से आ रहा है, और ये सारा पहाड़, फूल, इतना ज़बरदस्त तो यार मैंने कहीं पे भी, कश्मीर में भी तो अभी तक ऐसा नहीं देखा था मैंने। पता नहीं क्या क्या क्रॉस करने के बाद अब हम लोग को थोड़ा सा सुकून मिला है। सुकून ये मिला है कि बारिश नहीं हो रही है, स्नोफॉल नहीं हो रहा है, और नीचे की तरफ ढलान वाला रोड मिल रहा है जो पेंगोंग के लिए जाता है। अभी ये कोई जगह पड़ने वाली है, ये कौन सी जगह है? तंगसे, ये तंगसे है नीचे, जो आप लोग को दिख रहा होगा। अभी मैं यहाँ से मोड़ूंगा तो फिर आप लोग को दिखेगा, ये जो जगह है, नीचे घर बने हुए हैं काफ़ी, ये इतने ढेर सारे घर बने हुए हैं, तंगसे है। और मेरे ख्याल से ये मिलिट्री का एरिया है। ग्लव्स आप लोग देख रहे होंगे, ये वाले ग्लव्स लोकल हैं, यहीं से ही खरीदे हैं, ये रबर वाले हैं। तो रबर वाले इसलिए लिए क्योंकि अभी पीछे हाथ जो थे वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हाथ हमारे हैं ही नहीं, ख़त्म हो चुके हैं, इतना ज़्यादा ठंडा था, इतना ज़्यादा। मैंने वहाँ पे एक जगह पे जगह मिल गई थी एक, तो वहाँ पे रुक के कॉफ़ी पी, तो आप यकीन मानना कि कॉफ़ी दो घूंट में पूरी कॉफ़ी ख़त्म, इतनी गर्म। और फिर उसके बाद दोबारा से एक कॉफ़ी ख़रीदी, और वो जो ढाबा या रेस्टोरेंट उसे जो भी कहें, उसमें पैर रखने की जगह नहीं, क्योंकि जितने भी बाइकर्स थे सब वहाँ पे थे। और भाई साहब 100 रुपये की चाय, 120 रुपये की कॉफ़ी, सोच लो आप, मतलब 450 रुपये की हम लोग ने, हमने और नेहा ने दोनों ने सिर्फ चाय और कॉफ़ी पी है। तो ये मिलिट्री का एरिया लग रहा है मुझे, हाँ यहाँ पे मिलिट्री का ही एरिया है। और ये इन लोगों का रिलैक्स पॉइंट, रेस्टोरेंट, होम स्टे। ओके ये गेट है, और यहाँ से दो रास्ते कटे हैं। अब हमें देखना है हमें कौन से रास्ते पे जाना है। अच्छा पेंगोंग इस साइड में है, और शायोक के लिए ये रास्ता है, और पेंगोंग TSO के लिए ये है। डोबोक देखो यहाँ पे, डोबोक, टांगसे, मुगलब, पता नहीं कैसी कैसी लैंग्वेज है यार लिखी हुई, वो तो समझ में भी नहीं आती है। अच्छा ये नहीं लिखा है यहाँ पे कि पेंगोंग कितना किलोमीटर है, ये एक जगह है। अच्छा मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोट की है, जिस जगह के नाम का आपको रोड के किनारे साइन मिलता है, सिर्फ वही जगह पे आपको खाने पीने का कुछ ना कुछ मिलता है, अदरवाइज कुछ ना कुछ भी नहीं मिलता है।
और इवन के आप देख रहे हो यहाँ पे अच्छी खासी है, लेकिन यहाँ पे पेट्रोल नहीं है। सब कुछ मिलेगा आपको, पेट्रोल नहीं मिलेगा, खाने पीने का मिल जाएगा, तो पेट्रोल आपको कैरी करके चलना होता है। हम जब निकले थे लेह से, तो लेके आगे एक जगह पड़ती है, मैं नाम भूल जाता हूँ बार बार, कहाँ लेके आगे कहाँ से लिया था हम लोग ने पता नहीं, नेहा भी भूल गई। फिलहाल ये देखिए, ये है पेट्रोल की कैन हमारी, 5 लीटर पेट्रोल हमने कैरी किया है, क्योंकि अभी गाड़ी में 2 पॉइंट कम हो गए हैं, लौटते टाइम हमें ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी इसकी, तो इसलिए ही हमने पेट्रोल कैरी कर लिया है। टांग से लूकोन ये सब जगह, नज़ारे यार यहाँ के, फिर वही बात यार, नज़ारे ही नज़ारे ज़बरदस्त हैं यहाँ के। भाई लोग अभी यहाँ पे रुक गए हैं, और कुछ हमारे कश्मीरी भाई इधर खड़े हुए हैं, उन्होंने ये पूरा रोड पे दरी बिछा लिया, और उसके बाद यहाँ पे उनका सारा सामान, ये बाइक्स, और आप लोग को इधर से दिखाते हैं। इधर जो है कुछ प्रिपरेशन चल रही है, वो क्या प्रिपरेशन है आप लोग को डायरेक्टली दिखाते हैं यहाँ से। द प्रिपरेशन इज, ये हमारी कॉफ़ी बन रही है कॉफ़ी, क्योंकि हवा बहुत तेज़ है, तो इसलिए यहाँ कोने में, खोपचे में इसमें कॉफ़ी बनाई जा रही है। हमारे भाई कॉफ़ी बना रहे हैं, क्या नाम है भाई आपका? हैदर भाई जो है वो बैठ के कॉफ़ी बना रहे हैं, और एक भाई यहाँ खड़े हुए हैं, दूसरे भाई उधर है, और एक भाई अपना वहाँ पे है। तो मौसम यहाँ के 9 बजे चले थे, 5:50 हो गया है, और हमारी मेहनत रंग लाई, वो सामने पेंगोंग लेक, ओ माई गॉड, अरे हालत ख़राब हो गई यार यहाँ तक आने में, क्या क्या नहीं झेला, बर्फ़ झेली, पानी झेला, कीचड़ ढेली, रोड इससे गंदा रोड कोई नहीं है भाई साहब, इससे गंदा रोड कोई भी नहीं है। क्या नज़ारा है यार, बिल्कुल ब्लू, बिल्कुल ऐसा लग रहा है यार समुंदर में आ गए हो जैसे, सेम वैसी नज़ारा है। अभी तो दूर है थोड़ी सी, यहाँ से 15 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन बहुत बड़ी लेक है यार, बहुत बड़ी, और यहाँ पे वो देखो शिप भी खड़े हुए हैं, छोटे छोटे से स्टीमर टाइप के, वाओ यस यार क्या नज़ारा है, क्या नज़ारा है यार, ज़बरदस्त नज़ारा, ज़बरदस्त। दूर से आप लोग को दिख रही होगी, बिल्कुल ब्लू पानी है, बिल्कुल ब्लू, ऐसा लग रहा है कि ये कोई समुंदर है, और सामने उसके पहाड़, क्या खूबसूरती है यार, क्या खूबसूरती है। लेकिन बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं सिर्फ पेंगोंग लेक आने के लिए, और मेरी मानिए तो कभी ज़िंदगी में प्लान मत कीजिएगा बरसात के मौसम में आने का, सच में आपकी राइड जो है ना हेल हो जाएगी, जैसे कि मेरी हो गई। लेकिन खैर कोई नहीं, देखिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, कोई चीज़ आसानी से नहीं मिल जाती है, तो वैसे ही यहाँ पे हुआ है, आसानी से नहीं मिली है, और अभी रास्ता हम कंफ्यूज हैं कि किधर चलना है, किधर जाना है, किधर जाना है। ऊपरी चलना है शायद हमें, हाँ ऊपर ही चलना है शायद, नीचे तो रास्ता है नहीं, क्योंकि ऊपर का ही रास्ता अच्छा है, बिल्कुल क्लियर वाटर। हाँ तो मैं आपसे यही कह रहा था यार, कभी भी प्लान मत करिएगा बरसात के मौसम में आने का, क्योंकि इतनी ज़्यादा मतलब हमें कहीं पे बारिश मिली, कहीं पे स्नोफॉल मिला, कहीं पे रोड इतने ज़्यादा खराब थे, वाटर क्रॉसिंग कम से कम आपको 7 से 8 वाटर क्रॉसिंग मिल जाएंगी इस रोड पे सबसे ज़्यादा। हम सोच रहे थे कि खारदुंगला पास जो है वो सबसे खतरनाक जगह है, लेकिन नहीं, खारदुंगला पास से ज़्यादा खतरनाक जो है वो ये है, ये डेस्टिनेशन है, ये दूर भी है डेस्टिनेशन। अब आप सोच लो हमें कितना, 9 बजे चले थे, अभी 6 बज रहा है, और अभी भी फाइनल डेस्टिनेशन पर नहीं पहुँचे हैं। हमारे दोस्त आगे वहाँ पे खड़े हुए इंतज़ार कर रहे थे हमारा, क्योंकि यहाँ से 2 रास्ते कटे हैं, ये TSO कैंप में, यानी कि मिलिट्री का शायद कैंप होगा, और आखिरकार फाइनली पहुँच ही गए।
चलिए फटाफट से अब जाते हैं, देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब कैंप हैं तो एक कैंप में लेना है, उसके बाद रुकना भी है उसमें, और उसके बाद फ्रेश होके अगर टाइम लगा, क्योंकि थके हुए बहुत ज़्यादा हैं, तो आज आपको दिखाते हैं पूरा। और अगर नहीं हुआ तो फिर कल दिखाते हैं, क्योंकि प्लान तो हमारा कल ही यहाँ से निकलने का है। यहाँ ये पूरा कवर अप करने के बाद कल जाएंगे। यार ये तो बहुत बड़ी लेक है, बहुत बड़ी लेक है ये। आप लोग भी देखिए, आप लोग को लग रहा है ये लेक है, इसे तो समुंदर बोलना चाहिए, पता नहीं क्या बोलना चाहिए, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वहाँ पे मुझे येलो कलर के स्कूटर खड़े हुए दिख रहे हैं वो लाइन से, तो वो जो थ्री इडियट वाला सीन था, तो यहाँ पे अब कॉपी पेस्ट कर दिया है लोगों ने। अब हम ढूंढेंगे ओरिजिनल वाला कौन सा है, अगर हमें मिला तो हम ओरिजिनल वाले के पास जाके फ़ोटो वगैरह खिंचाएंगे और सारी चीज़ें देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे इसको अच्छे से, क्योंकि ज़िंदगी में मौके बहुत कम मिलते हैं ऐसी खूबसूरती देखने के, तो हमें मौका मिला है तो बिल्कुल हम भी इंजॉय करेंगे, और आई होप आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे इस चीज़ को। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यार, अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दो, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं, अभी बहुत वीडियो बाकी हैं, अभी मैंने बहुत सी वीडियो डाली भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, वीडियो बनती है 7-8 GB की, और यहाँ का वाईफाई बहुत गंदा वाईफाई है, या ये हो सकता है जिस होटल में मैं रुका था वहाँ का गंदा वाईफाई था। खैर कोई नहीं, हम फाइनली पहुँच ही गए हैं, तो आगे का सीन दिखाते हैं आपको, बने रहिए। तो भाई साहब, यहाँ से ये लेक जाने के लिए ये रास्ता है, वैसे तो एक पक्का भी रास्ता था, लेकिन हमने सोचा थोड़ा सा एडवेंचर करते हुए जाते हैं। एक वो ऊपर रोड दिख रहा है आपको, एक वो रास्ता है और एक ये रास्ता है, ये थोड़ा सा एडवेंचर वाला है, तो हमने सोचा थोड़ा सा एडवेंचर करेंगे तो इसी रास्ते से जाएंगे, क्योंकि और लोग भी इसी रास्ते से ही जा रहे हैं, और हमें इस लेन में लेना है। वो लेन खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि कोई रोड बना हुआ नहीं है, कच्चा सा रोड है, ये धसने वाला है, मिट्टी है, तो इस साइड में चलो तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। और ऑफ रोडिंग का यहाँ पे भी मज़ा, आगे से थोड़ा सा पक्का रोड है, वो पक्का रोड मिल जाए एक बार तो कोई दिक्कत नहीं है फिर। हाँ हाँ मिल गया, थोड़ा सा पक्का रोड मिल गया, और अभी दिखाता हूँ आपको कि कितनी ऊंचे से उतरे हैं, ऐसे तो नहीं पता लगता है, लेकिन देखो वो वहाँ से आ रहे हैं हम लोग, और सामने लेक का नज़ारा। लोग फाइनली पहुंच गए हैं यार अपने रूम पे, काफ़ी मुश्किल और काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद पहुंचे हैं, और ये इधर का नज़ारा है। मैं दिखा रहा हूं आपको, वो खड़ी अपनी बाइक, और बाइक के बिल्कुल जस्ट सामने वाला है हमारा रूम, तो एक बार रूम दिखा देता हूं। ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, जिसका कोई ठंड, और ये हमारा रूम, खुलते ही ये आ गई हमारी गैलरी छोटी सी, जहाँ पे दो चेयर पड़ी थी, एक ये सारे कपड़े गीले वाले यहाँ पे रखे हुए हैं, ये है बेडरूम जो कि काफ़ी अच्छा है, गर्म भी है, और ये हमारे सारे गंदे कपड़े, गंदे क्या, गीले कपड़े पड़े हुए हैं हमारे, ठंड के बारे बोला भी नहीं जा रहा है। तो अभी काम करते हैं फटाफट से, यहीं पर अभी आपको स्टॉप करते हैं। और हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइज, नए व्लॉग की शुरुआत नहीं हो रही है, ये कल ही वाले व्लॉग की शुरुआत है, क्योंकि कल रात में हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, तो फिर थक भी गए थे, भीगे हुए भी थे, तो इस वजह से हम लोग ने व्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया था। तो आज मॉर्निंग में हमने ब्रेकफास्ट किया, और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आ गए हैं लेक में, और देखिए लेक कितना ब्यूटीफुल लेक है यार, बिल्कुल करीब से देख रहे हैं तो देखिए इसका पानी कितना नीट एंड क्लीन है,
ये देखिए अंदर तक मतलब सब कुछ दिख रहा है, इसमें सब कुछ दिख रहा है। और हम लोग को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया यार यहाँ पे घूम के। अब हमारा यहाँ से प्लान ये है कि हम यहाँ से कंटिन्यूसली अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे पेंगोंग टू क्या कहते हैं अपना लेह, और लेह में जाके फिर से स्टे करना है हम लोग को। और स्टे करने के बाद फिर हम कल निकलेंगे आगे अपने सफ़र के लिए, यानी कि कारगिल के लिए। तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है इस ट्रिप के दौरान जो हमने सीखा है, और जो लोग आपको नहीं बताते हैं ऐसी ऐसी बातें हैं वो मैं उसका एक सेपरेटली अलग से ब्लॉग बनाऊंगा और सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो स्टे ट्यून्ड, और फिर से चैनल को सब्सक्राइब करिए।